पहले शाहरुख खान और फराह खान जुड़वा बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ थे। जब फराह ने किंग खान को ऑफर की 30 मार, खान स्टार्टेड डिली डैलिंग द प्रोजेक्ट। फराह फ्रस्ट्रेट हो गई और उन्होंने अक्षय कुमार को साइन कर लिया। ये बात किंग खान को खटकी। शाहरुख खान ऑलरेडी एक लो फेज से गुजर रहे हैं। जब शाहरुख को पता चला था 30 मार खान की रिलीज डेट 24 दिसंबर को है, तो ही अपेरेंटली मैनिपुलेटेड एंड चेंज द रिलीज ऑफ टूनपुर का सुपर हीरो ताकि फराह खान की रिलीज डेट पर एक और फिल्म रिलीज हो जो दे कॉम्पिटिशन टू 30 मार खान। शाहरुख खान अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करना छोड़कर फराह के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? इनसिक्योरिटी मेक्स द स्टार डू थिंग्स व्हिच ही विल रिग्रेट लेटर। फराह और शाहरुख को पैचअप कर ही लेना चाहिए। व्हाट से लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम अ सेमी स्टार। शाहरुख एंड फराह शुड जस्ट स्टॉप फाइटिंग और एक दूसरे को कह ही लेना चाहिए ओम शांति ओम।